गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। तो आज है धनतेरस, आप सभी लोगों को हमारी ओर से हैप्पी धनतेरस। बाबू जो है वो ऊपर चला गया है क्योंकि वो मॉर्निंग में जिद करने लगता है ऊपर जाने के लिए। उसकी आदत है थोड़ा सा खुले में रहने की, तो ऊपर चला जाता है और हम भी उठते हैं और अब ब्रश करेंगे। चाय बन रही है, चाय पियेंगे। यार डेली वही काम, सुबह सुबह उठ के बस सारा रूम जो है वो बहुत ही मैसी रहता है, तो बस सारा रूम साफ करेंगे। और आज तो धनतेरस है, तो अभी बर्तन वगैरह भी आज लेने जाना है, मतलब आज शॉपिंग के लिए भी जाना है। तो देखते हैं कि आज बर्तन में क्या लाएंगे। वैसे पता है धनतेरस जो है, धनतेरस में हमेशा जो बर्तन होते हैं वो बहुत ही महंगे मिलते हैं, इसलिए हम लोग कोई बड़ा बर्तन नहीं लेते हैं, बस एक शगुन के रूप में छोटा ही बर्तन कुछ ना कुछ ले ज़रूर आते हैं। छोटू, ब्रश करें? चाय बन गई? तुम बस क्या करें, कर चुके? बस ये है मेरे पास, सिर्फ एक बचा है मेरे पास ब्रश। तो कितने ब्रश होने चाहिए? छोटे भाई मेरे पांच ब्रश थे, धीमे फिर धीमे सब चोरी हो गए, पता किसने चुरा लिए? नहीं, अच्छा एक बचा है मेरे पास इस समय। अच्छा तो 5 ब्रश तुम्हारे थे या पूरे घर वालों के थे? अच्छा मेरे थे पांच ब्रश है, नहीं कभी एक बचा तो सिर्फ कर पाते, पता तुमको। मेरे लिए भी एक ब्रश ले आना, मेरा भी उस दिन लैट्रिन में गिर गया था, लैट्रिन में कैसे गिर गया तुम्हारा? बस गिर गया था। लैट्रिन के अंदर थोड़ी ना गिरा था, अच्छा मिला तुम। मतलब उसके पास में गिर गया था। हाँ लेकिन मैंने उससे किया नहीं, फिर उठो ब्रश कर चुकी, करो जा रहे करने। फिर जल्द चाय लेके आते हैं। ठीक है उठ रहे। आज दूध की हालत, छोटू ने ये कर दी है, इसको गैस पर रख दिया और भूल गए कि दूध रखा हुआ है। और यार दूध की तो ऐसी बात होती है ना कि दूध जैसे ही रख दो और जब तक तुम खड़े रहोगे तब तक इसमें बॉयल नहीं आएगा, और जैसे तुम चले गए बस बॉयल आ जाएगा। सबसे बेकार काम लगता है दूध गर्म करना। यह है घी, इसको रखना है डिब्बे में। ये है मिर्चे जिसका बनाऊंगी मैं आज अचार। मेरी सारी टी शर्टें बढ़ा देती हो। मैं टी शर्ट बढ़ा देती हूँ, मैंने इसलिए पहनी थी क्योंकि बाबू पूरा वक्त टॉयलेट करता है, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं बचा था, तो मैंने इनकी ये टी शर्ट पहन ली थी। तो इन्होंने मुझसे ये टी शर्ट उतरवा कर, और ये जल्दी जल्दी नहा कर आए हैं, तो लग रहा है बस अब इनके पास एक ही ये टी शर्ट बची है, तो इन्होंने तुरंत पहन लिए इसको। यार मतलब ये मैंने धुली नहीं है, ऐसे ही रख दी थी, तुमने पहन लिए, हाँ पर जल्दी मिल गया मौका ना। मौका मिल गया। आलू है, मुंह देखो इनका, पहले गुस्से मुंह देखो। अच्छा सारा इंतजाम कर चुकी हो यार, इस मौसम में तो हरी मटर कहाँ से लेके आई, ये बताओ पहले। अभी तो मार्केट में भी नहीं आ रही है। हम लेके आए या तुम लेके आए? हम नहीं लाए, पापा लाए हैं ये। अरे जहरीली तहरी कैसे बनती पता है? लिए लो, नमक और पड़ेगा, थोड़ा सा और लो। नहीं नहीं और पड़ेगा, हाँ हाँ बस इतना और डाल लो बस। गैस बहुत धीमी है, देखो स्लो पे चल रही है। हाँ अब ठीक है, हमारा काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, गुस्से में जा रही है। जी देखो कताई जहर, बस ये तो उल्टे हाथ का खेल मेरा। ये कितने कपड़े पड़े हुए, ये सारे फोल्ड करने, ऐसे लाला के रख देते हो सारे, ये देखो सब फोल्ड करेंगे। चलो हटो, अभी नहीं फोल्ड ये तो करेंगे। हो जाएगा सब। अच्छा ये मेरे उल्टे हाथ का खेल है। अब कहाँ चली, देखो देखो देखो, देखो ये जा रही है, जा रही। मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे भी और घर में भी। अच्छा भैया जाओ, फिर हमारे पास बहुत काम है, मम्मा जाएगी अभी शॉपिंग करने जाएगी मम्मा, फिर देखते हैं हम भैया के लिए क्या लाए। तो भैया क्या लेगा? भगोना लेगा? और वे भगोना लोगे तो? तुम
भगोना लोगे, बस कपड़ा पहन ले और बस बाबा के पास चला जाएगा मेरा भैया। मम्मा जाके कपड़े ले आएगी, बाबा दे पापा सुला लेंगे अपने पास, फिर चलते हैं सारा सामान ले आते हैं। ठीक है, जो कुछ ना थोड़ा जल्दी निपटा देना, 1 घंटे में बताएं क्यों भैया। रोने लगता है, रोने लगता है, उनको नींद भी आ रही है, रात हाँ लग रहा है, आंखें देखो पहले सोई सोई सी लग रही है, इसलिए बता चलते हैं कपड़े चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बाबू को मालिश करते वक्त इसने मेरे पे टॉयलेट भी कर दिया और ये पूरा टाइम टॉयलेट करता है। दिन में मैं डायपर नहीं पहनाती हूँ इसको, क्योंकि लगता है बाबू जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है। डायपर जब भी हम उसका उतारते हैं तो हम देखते हैं कि वो बस बहुत कम ही उसमें टॉयलेट किया रहता है, और जैसे ही मैं उसका डायपर उतारती हूँ बस वो तुरंत टॉयलेट कर लेता है। तो मुझे लगता है कि डायपर जो है वो कम से कम यूज करना चाहिए बच्चों में। सुबह लाइट नहीं लाएंगे, बस ऐसे ही बल्ब वल्ब लाओ लगा दो, खूब चमकने लगेगा, बस हो गया। लाइट है भी काफी, लाने जरूरत नहीं पड़ेगी, सोचे कुछ दीपक ले देंगे और कुछ मोमबत्ती ले लेंगे। आई है मेरी मिंत्रा से ड्रेस और ये मैं पहनूंगी दीपावली में। ये कब दे गया था, कल दे गया था? हाँ बिंदी नहीं लगाई है, बिंदी है नहीं, खत्म हो गई है, चौक चुर हो गई, नहीं बहुत बड़ी है, देखते हैं इनको लगा ले, चलो ठीक है अच्छी लग रही है लगा लेते हैं। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, बहुत जल्दी जल्दी में हूँ। और गणेश लक्ष्मी इधर से देखो, बहुत बड़ी है, हाँ अभी दीपक लेना है। हाँ ले लो, कितने की है ये व्हाइट वाली कितने की है? कोई भी ले लीजिए, 60 रुपए 250 ग्राम, 60 रुपए की 250 ग्राम। अच्छा ये देखिए यहाँ पर ये खाने पहुँच गए हैं, ये देखिए लगे हुए लाइन में। बहुत सही, पिए रहो, जो काम अभी सही नहीं हुआ है। हाँ सही लगेगा। और ये ले आए एक बड़ा भगोना जिसका हमारे पास यूज है, और ये बस मुझे अच्छा लगा इसलिए हमने ले लिया, और ये कुछ मोमबत्तियाँ ले ली हैं हमने, ये गणेश लक्ष्मी ले लिया है हमने, इनका पता नहीं मैं क्या करूँगी, बस मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने ले लिए हैं। और ये देखिए एक ये मैंने मटकी टाइप का कुछ ले लिया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए हमने ले लिया है। और ये ले ली है मैंने एक जोड़ी पायल जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, और इन्होंने मुझे करवा चौथ पे कुछ दिलाया नहीं था इसलिए इन्होंने बोला कि चलो ले लेते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यार अभी बहुत सारा सामान छूट गया है क्योंकि 1 घंटा हो रहा था, और मैंने सोचा कि यार बाबू जग गया होगा, उसकी भी मुझे टेंशन हो रही थी। बाबू ऐसे अभी जगा नहीं है, पापा बोल रहे थे कि वो जगा था तो पापा ने उसे दूध दे दिया था, फिर वो सो गया है। माता जी के कपड़े नहीं आए हैं और दीपक नहीं आई हैं, वो जो धान के लावा होते हैं चूरा होता है वो सारा भगवान जी के ऊपर उस दिन चढ़ाया जाता है ना, तो वो भी नहीं आया है। और जो वो लड़ियाँ होती हैं ना दरवाजे पे टांगने वाली, वो तो मैंने इसके पहले ही मतलब पिछली दीपावली में ही बहुत सारी ले ली थी, कम से कम वही 30-35 लड़ियाँ ले ली थी, तो वो तो इतनी जल्दी बेकार भी नहीं होती हैं, तो मैं उन्हीं को यूज़ करूँगी घर सजाने में। और लाइट्स जो हैं वो तो बहुत सारी रखी हुई हैं, इतनी हैं कि पूरा घर सज जाता है, तो लाइट भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज का ब्लॉग हम अपना यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलेंगे अपने नए ब्लॉग में। और अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ 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 हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।